आज के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फॉर्कलिफ्ट के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, पर आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसका उपयोग कब और कहां किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। फॉर्कलिफ्ट का उपयोग अक्सर छोटे बड़े गोदामों में किसी भी सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में किया जाता है। जितना इसके उपयोग से सामान को लाना ले जाना कर्मचारियों के लिए आसान होता है, उतना ही इसका उपयोग कर्मचारियों के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, अगर इसका उपयोग करने के दौरान सावधानी का ध्यान न रखा जाए तो। इसलिए आज के स्टूडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप किसी फॉर्कलिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटनाएं ना हो और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्कलिफ्ट का उपयोग अक्सर सभी गोदामों में किया जाता है। फॉर्कलिफ्ट के माध्यम से किसी भी भारी सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जाता है। ट्रक्स में माल को लोड या अनलोड किया जाता है। वैसे तो फॉर्कलिफ्ट को ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी इसे ऑपरेट करने के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखना होता है, जैसे क्षमता से अधिक भार न उठाना, इसे तेज गति में न चलाना, इसे तेजी से न घुमाना आदि अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर साल कार्यस्थल पर फॉर्कलिफ्ट का अनुचित तरीके से उपयोग करने पर बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, जिससे संपत्ति को तो नुकसान होता ही है, साथ ही कर्मचारियों को भी चोट पहुंचती है, और कुछ केस में चोट इतनी गंभीर होती है कि कुछ कर्मचारियों की मौत भी हो जाती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर कुछ केस देख पा रहे हैं। इसलिए जब भी कभी आप कार्यस्थल पर फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करें तो उपयोग करने के दौरान बहुत ही ज्यादा सावधानी का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने के दौरान किन कारणों से कार्यस्थल पर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इम्प्रॉपर ऑपरेशन एंड यूज, लोड हजार्ड्स, पुअर मेंटेनेंस, फ्लोर कंडीशंस, ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लाइंड स्पॉट्स, लैक ऑफ विजिबिलिटी, इम्प्रॉपर फ्यूलिंग एंड चार्जिंग। अब हम बात करते हैं फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कार्य के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रख सके और किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं ना हो। उपयोग से पहले फॉर्कलिफ्ट को अच्छे से चेक करें। कार्यस्थल पर डेली फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने से पहले फॉर्कलिफ्ट की अच्छे से जांच करनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की खराबी तो नहीं है और वह सही से कार्य कर रही है। अगर उसमें किसी प्रकार की खराबी मिलती है तो उसे तुरंत सही करना चाहिए और सही करने के बाद ही फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। बिना प्रशिक्षण फॉर्कलिफ्ट का उपयोग ना करें। अगर आपको यह नहीं पता है कि फॉर्कलिफ्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तो आपको फॉर्कलिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर एक छोटी सी गलती के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है, जिससे अन्य कर्मचारियों के साथ साथ आपको भी चोट लग सकती है। कभी भी फॉर्कलिफ्ट को तेज ना चलाएं। कभी भी फॉर्कलिफ्ट को ओवर स्पीड में ना चलाएं और ना ही उसे तेजी से घुमाएं, क्योंकि ऐसा करने पर वह पलट सकती है, जिससे आपको और वहां कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी को चोट लग सकती है और साथ ही संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा फॉर्कलिफ्ट को धीरे चलाएं और फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने के दौरान हमेशा सीट बेल्ट पहने और बहुत ही ज्यादा सावधानी का ध्यान रखें। कभी भी फॉर्कलिफ्ट पर चढ़कर सवारी ना करें। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने के दौरान अगर कोई भी कर्मचारी फॉर्कलिफ्ट के आगे पीछे या साइड में लटक कर सवारी करता है तो उसको ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह कर्मचारी फॉर्कलिफ्ट से गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। फॉर्कलिफ्ट को सही से पार्क करें। उपयोग करने के बाद हमेशा फॉर्कलिफ्ट को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें, जिससे कार्यस्थल पर कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि कभी कभी कर्मचारी जल्दबाजी में फॉर्कलिफ्ट को किसी भी स्थान पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी भी फॉर्कलिफ्ट को ओवरलोड ना करें। फॉर्कलिफ्ट का उपयोग करने के दौरान कभी भी फॉर्कलिफ्ट को ओवरलोड ना करें। हमेशा उसकी क्षमता के अनुसार ही भार को उठाएं और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी सामान फॉर्कलिफ्ट से उठाया जा रहा है उसे सही से रखें, जिससे वे गिरे नहीं। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।